हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जो मैन्युअली ड्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पार्ट वन नहीं देखी है तो स्टार्ट करने से पहले उसे देख लें, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे बचे हुए टूल्स और इक्विपमेंट्स जो कि मैनुअल ड्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं। कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें से हम ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, इंजीनियर स्केल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, कंपास, डिवाइडर, इरेजिंग शील्ड के बारे में। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर लकड़ी, टिन या सेलुलॉइड का बना होता है। ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड प्रोट्रैक्टर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये फ्लैट और सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप में मिलते हैं। 100 मीटर डायमीटर का सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सभी स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। इसके राउंड एज पर हर एक डिग्री पर मार्किंग होती है और हर 10 डिग्री के बाद नंबर्स में एंगल्स लिखा जाता है, जिसको हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। प्रोट्रैक्टर के डायमीटर को हम बेस बोलते हैं, जिसके सेंटर में ओ की मार्किंग होती है, जो सेंटर शो करता है। प्रोट्रैक्टर से हम वो एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो हम सेट स्क्वायर से ड्रॉ नहीं कर पाते। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम सर्कल को कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व लकड़ी, प्लास्टिक या सेलुलॉइड के बने होते हैं। ये बहुत सारे शेप्स में आते हैं। जनरली ये 6, 12 या 16 पीसीज के सेट में आते हैं। फ्रेंच कर्व से हम ऐसे आर्क या सर्कल ड्रॉ करते हैं जो हम कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रेंच कर्व से लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन के उस हिस्से से मैच करना पड़ता है जिसके आगे के हिस्सों को हमें ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व से न्यू कर्व या लाइन खींचने के लिए हमें पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं, जिसमें कर्व बढ़ता है या घटता है और एक स्मूथ कर्व ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट है पेंसिल। ड्राइंग ऑफिस में हम ज़्यादातर लकड़ी की बनी हुई पेंसिल या सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल यूज़ करते हैं। हमारी ड्राइंग की एक्यूरेसी ड्राइंग पेंसिल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सस्ती और लो क्वालिटी के पेंसिल से हमें यूनिफॉर्म शेड्स और थिकनेस नहीं मिल पाती। पेंसिल लेड ग्रेफाइट विद कॉलिन की बनी होती है। हम कॉलिन को हार्डनेस बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। ज़्यादा कॉलिन, ज़्यादा हार्डनेस होगी पेंसिल लीड की। ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। पेंसिल की ग्रेडिंग लीड की हार्डनेस या सॉफ्टनेस के बेस पर की जाती है और ग्रेड का सिलेक्शन हमें किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है उससे किया जाता है। पेंसिल की ग्रेडिंग को हम नंबर्स लेटर्स से शो करते हैं, जो पेंसिल के एक एंड पर लिखा होता है। HP ग्रेड से हम मीडियम हार्डनेस को शो करते हैं। H के आगे बढ़ते क्रम में नंबर लिखने से हार्डनेस भी इंक्रीज होती है, जैसे 2H, 3H, 4H एक्सेट्रा। इसी तरह से अगर नंबर B के आगे हम ऐड करेंगे तो सॉफ्टनेस की ग्रेड्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2B, 3B, 4B एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेंसिल। सॉफ्टर लीड पेंसिल से हम थिक और डार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो जल्दी घिस जाती है। जनरल और लेटर्स लिखने के लिए हम मीडियम ग्रेड पेंसिल HB और 2H को यूज़ करते हैं। हार्ड ग्रेड पेंसिल से हल्की और पतली लाइंस ड्रॉ होती है। कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम 4H, 5H और 6H को यूज़ करते हैं। फाइनल फेयर वर्क के लिए हम हार्ड ग्रेड पेंसिल जैसे 3H का यूज़ करते हैं।
इससे यूनिफॉर्म थिकनेस की लाइंस ड्रॉ होती हैं। एच और एच बी पेंसिल को हम लेटर्स और डाइमेंशनिंग के लिए यूज करते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग, जहाँ पर हमें बार बार इरेज करना पड़ता है, वहाँ पर सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल एच बी का यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में ऑटोमेटिक मैकेनिकल पेंसिल या क्लच पेंसिल अवेलेबल हैं, जो हैंडलिंग में बहुत आसान होती है। वो अलग अलग थिकनेस जैसे 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 mm में अवेलेबल है। इनसे हम यूनिफॉर्म थिकनेस की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपास। सर्कल और आर्क ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं जो एक तरफ से जुड़े होते हैं, और इसके एक हिस्से में एक नीडल लगी होती है और दूसरे हिस्से में पेंसिल होल्ड करने के लिए जगह बनी होती है। जिस हिस्से में हम पेंसिल लगाते हैं वो रिप्लेस होके उसमें हम पेन भी लगा सकते हैं। नॉर्मल कंपास से हम 120 mm के डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कंपास के दोनों पार्ट्स में दिए हुए जॉइंट से मोड़ देते हैं, और जिससे सर्कल ड्रॉ करते टाइम दोनों पॉइंट्स और पेंसिल पेपर के सरफेस से परपेंडिकुलर रहते हैं। लेंथनिंग बार 150 mm रेडियस से ज़्यादा बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लेंथनिंग बार का यूज़ करते हैं। पेंसिल लगाने वाले हिस्से को हटा के वहाँ लेंथनिंग बार को लगाया जाता है, और फिर पेंसिल वाले हिस्से को लेंथनिंग बार में लगाया जाता है। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर को हम डायमेंशन ट्रांसफ़र और लाइंस डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। एडजस्टेबल जॉइंट्स वाले डिवाइडर को हम प्लेन लेग वाले डिवाइडर से ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिवाइडर को हम कर्व या स्ट्रेट लाइन को इक्वली डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डायमेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए, स्केल से ड्राइंग में डायमेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इरेजिंग शील्ड। जब एक ड्राइंग में बहुत सारी लाइंस के बीच में एक लाइन को इरेज करना बिना लाइन को ख़राब किए बहुत ही मुश्किल काम होता है, ऐसी कंडीशन में हम इरेजिंग शील्ड का यूज़ करते हैं। ये एक पतली मेटेलिक शीट होती है जिसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, और जो लाइंस इरेज करनी होती है उसको उन शेप्स के साथ लगा के इरेज किया जाता है, जिससे बाकी लाइनें ख़राब नहीं होती। आशा करता हूँ आपको सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे और आपके अपने चैनल स्किल बुक को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।